मीटिंग है। आदित्य ठाकरे आपको इस वक्त टाइम्स ऑन भारत की स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ेंगे। इस वक्त सीधे आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं कि आदित्य ठाकरे किस तरीके से निकले हैं सेना भवन जाने के लिए। जो मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। कोशिश करते हैं शायद आदित्य ठाकरे यहाँ पर बात भी करेंगे। कोशिश करते हैं आदित्य ठाकरे से बात करने की। ये आपको दिखाई पड़ रहे होंगे इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, और आदित्य ठाकरे बिल्कुल इधर अभी मातोश्री के बाहर निकले। कोशिश करेंगे आदित्य ठाकरे से बात करने की। ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी गाड़ी से बाहर। बहुत जरूरी मीटिंग आदित्य इस बार शिवसेना के लिए, क्योंकि कोशिश अब पूरी है कि किस तरीके से पार्टी का समर्थन अपने पास रखा जाए, लोगों को ये बात बता के दी जाए कि वो पूरी तरह से पार्टी के कंट्रोल, जो पार्टी का कंट्रोल है वो आदित्य ठाकरे और ठाकरे परिवार के साथ है। तो आप ये लगातार धक्का मुक्की थोड़ी देख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर आदित्य ठाकरे बाहर आए हैं, तो उनसे ऑफिशियल जानकारी की अब उनका क्या तैयारी है, क्या करने की कोशिश की जा रही है उसके के लिए बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़बरदस्त जद्दोजहद यहाँ पर, क्योंकि मीडिया के काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कैमरा मौजूद है, माइक्स मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है आदित्य ठाकरे से ये समझने की कि क्या अब आगे की कवायद रहने वाली है। चलिए एक बार फिर कोशिश करेंगे बात करने की। यहाँ पर जो इस तरीके से एक के बाद एक गाड़ियाँ निकल रही हैं और आदित्य ठाकरे गाड़ी से बाहर ज़रूर निकले थे, और अब वो वापस जो दरवाज़ा है, जो गेट है मातोश्री का, वहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पर चलिए तो लगता है कि बात करेंगे। आदित्य ठाकरे सामने खड़े हुए हैं, आपको अपनी स्क्रीन्स पर दिखाई पड़ रहे होंगे। अब वो क्या होने वाला है यहाँ पर, बात करेंगे, क्या कहने वाले हैं, कोशिश कर रहे हैं इसी को रोकने की, शायद मीडिया को व्यवस्थित करने के लिए कहा जा रहा है। और लगातार इस वक्त की अपडेट्स आप टाइम्स ऑन भारत पर देख रहे हैं, किस तरीके से आदित्य ठाकरे जाने की तैयारी कर रहे हैं शिवसेना भवन। उद्धव ठाकरे क्योंकि कोरोनाग्रस्त हैं, वो इस मीटिंग में नहीं जा पाएंगे, और आदित्य ठाकरे ही अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने, अपने पिता का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ पर जाएंगे। कोशिश की जा रही है कि उनसे बात की जा सके। और यहाँ पर जो बहुत सारा विक्ट्री साइन दिखाते हुए ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, आदित्य ठाकरे बात करते हुए सेना के लीडर्स से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो स्क्रीन्स पर जो आपको दिखा रहे हैं आदित्य ठाकरे विक्ट्री साइन भी अभी दिखा रहे थे, कितना सिक्योर है, कितना कॉन्फिडेंस है, ये एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। और आज एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश होगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से, कि शिवसेना के जो ग्रासरूट लेवल का वर्कर है वो हमारे साथ है, उसी को बड़ा मैसेज देने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। लगातार गहमा गहमी इस वक्त चल रही है मातोश्री के सामने। आदित्य ठाकरे कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की, निकले तो बाहर गाड़ी में, अब एक बार दोबारा तो बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी यहां पर पहुंच गए, और शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं आदित्य ठाकरे। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे शिवसेना के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, अपना मास्क उतार दिया है, फोटो भी खिंचवा रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश इस बड़े संकट में। संकट उनके पिता के सामने अपनी कुर्सी बचाने का,
साथ ही साथ उसके साथ पार्टी बचाने का जो संकट है उसके सामने आदित्य ठाकरे अभी भी मुस्कुराते कम से कम नजर आ रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फीज का दौर चल रहा है। एकनाथ शिंदे उस तरफ MLAs को लेके बैठे हुए हैं और आने की कुछ का बात चल रही है कि वो वापस आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आदित्य ठाकरे यहाँ पर हैं, सेल्फीज खिंचा रहे हैं और बात कर रहे हैं जो उनके समर्थक हैं उनसे। आप दिख रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर विक्ट्री साइन भी दिखाया था थोड़ी देर पहले आदित्य ठाकरे ने, और लगातार जो ये यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से वो निकल के शिवसेना भवन पहुँचें, आज के लिए ये पोस्चरिंग के लिए समझ लीजिए कि ज़रूरी है कि किस तरीके से आदित्य ठाकरे, क्योंकि दोनों पहले ये बात शिवानी हमें बता रही थी कि कैसे कोई भी नहीं आ रहा था, ना उद्धव ठाकरे ना आदित्य ठाकरे, तो वहाँ पर लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्यों वर्चुअल मीटिंग है तो हमें वहाँ पर सेना भवन में क्यों बुलाया गया। सोच सकते थे कि इस तरीके की कभी बातें शिवसेना जैसी पार्टी में होगी जहाँ पर सेना प्रमुख जो भी हैं उन्होंने अगर आप बुलाया है तो लोग आएंगे नहीं। अब वहाँ पर आदित्य ठाकरे जा रहे हैं, उनको भेजा जा रहा है, उनकी गाड़ी दोबारा से दरवाजे के पास जो मेन गेट है उसके पास लगाई जा रही है, क्योंकि वो पहले बाहर निकले फिर लगा कि मीडिया से बात करेंगे, गाड़ी जो थी उसको लगाया गया था, तैयार किया गया था। और अब इस वक्त आप जो देख रहे हैं, मेरे सहयोगी इमरान आपको अपनी तस्वीरों में दिखा रहे होंगे कि आदित्य ठाकरे किस तरीके से वहाँ पर शिवसेना के जो कुछ कार्यकर्ता हैं, जो कुछ नेता हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और अब इस वक्त आप उनकी जो गाड़ी है वो दोबारा से अंदर लेकर जाई जा रही है, आदित्य ठाकरे की गाड़ी को दोबारा से अंदर लेकर जाया जा रहा है। वो क्या मीडिया से बिना बात करें सीधे सेना भवन की तरफ निकलेंगे, पर ये समझ में बात कुछ समझ आई नहीं, क्योंकि इसी गाड़ी में बैठ के आए थे, बाहर निकले उतरे और मीडिया से बात नहीं करी और सीधे उसके बाद गए, और फिर कुछ कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, उन कार्यकर्ताओं ने जब नारेबाजी शुरू की है तो उसके बाद आदित्य ठाकरे दोबारा से उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के बाद अब यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या ये पूरा सिर्फ इस फोटो ऑप के लिए तैयारी थी, क्योंकि पहले निकल गए थे फिर गाड़ी से उतरे, बाहर उतर के फिर वापस मातोश्री में गए, फिर गाड़ी को अंदर बुलाया गया, कुछ समर्थकों को वहाँ बुलाया गया और समर्थकों के आने के बाद लगातार नारेबाजी शुरू की गई, और नारेबाजी के बाद ही आदित्य ठाकरे विक्ट्री साइन दिखाते हुए वहाँ से निकले। ये कुछ यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारे सहयोगी इमरान आपको दिखाएंगे, ये लोग जो पूरे यहाँ पर मोदी शाह योगी बुलडोज़र फूले, शाहू अम्बेडकर के महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उद्धव ठाकरे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाजपा वाले गो बैक के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। और ये देखिए, ये देवेंद्र फडणवीस के नाम का भी ये यहाँ पर चाहिए, पोस्टर्स लेके खड़े, उनके खिलाफ लेके खड़े हुए हैं, और लगातार इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नारेबाजी करने पहुँचे हैं। पर इसमें ज़रूरी बात ये है कि चंद, मैं अगर गिनती कर लूँ तो आपको यहाँ पर 12 लोग दिखाई पड़ेंगे, 12 ऐसे कार्यकर्ता दिखाई पड़ेंगे और शिवसेना के लोग दिखाई पड़ेंगे जो यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नज़र आए। आज ये जो पूरा एक संजय राउत ने जो जिस तरीके से बयान दिया है, अंकित एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, दीपक केसरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बाकी विधायक हैं, अभी इस वक्त गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के कैंप में मौजूद हैं। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त सब यही जानना चाहते हैं, क्या एकनाथ शिंदे मुंबई जा रहे हैं, क्या बताएंगे आप? नहीं, वो तो होटल में ही है, वो मुंबई नहीं जा रहे हैं। जब भी स्पीकर उनको बुलाएंगे स्थापना के बारे में तो वो जरूर जाएंगे, आज तो नहीं जा रहे, वो होटल में ही है। दीपक जी सीधे तौर पर जो संजय राउत है वो कह रहे हैं कि अब तो आर पार की लड़ाई होगी, अब हम भी देख लेते हैं, वो आपको सीधे तौर पर चैलेंज कर रहे हैं, उस चैलेंज को कैसे देख रहे हैं? देखिए, डेमोक्रेसी में मसल पावर की बात करना अच्छी चीज नहीं है, और ऐसा नहीं करें तो ही अच्छा है, नहीं तो हमें भी जवाब देना आता है। मैंने ये फाइट की है कोंकण में, जो बाबा साहब चाहते थे कि कोंकण में शांति बनी रहे जी, हमने वो पूरा किया, उनका सपना मैंने वो फाइट की है, लेकिन रस्ते पे उतर के नहीं, वो अपने विचारों से की है। कल भी जब मुझे रोका गया था इन कार्यकर्ताओं ने, तो मैंने उनको बोला कि वो सपना मैंने सच किया,
किसी आदमी पे हाथ मत डालिए तो आपको अच्छा नहीं लगता है और आप, मैं वो सहन नहीं करूंगा जी। मेरी गाड़ी का पीछा गया है तो भी मैंने यही बोला था और आज भी यही बोल रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में मसल पावर की बात करना अच्छा नहीं है। आप हमें मुंबई बुला रहे, क्यों बुला रहे? धमकाने के लिए? अपना वीडियो देखिए निकाल के जो सीएम साहब ने दिया है, उन्होंने बोला था कि एक एमएलपी मुझसे अगर रेजिग्नेशन मांगेगा तो मेरा रेजिग्नेशन तैयार है। ये भाषा बोल रहे हैं मुख्यमंत्री और आप अलग ही भाषा बोल रहे हैं। नहीं दीपक जी, आगे की क्या आपने कहा? एकनाथ शिंदे जी वहीं पर हैं, 1 बजे आप लोगों की मीटिंग हुई, उसमें क्या तय हुआ सर आगे का, क्या लाइन और लेंथ रहेगा? नहीं, डेली तो ये नंबर बढ़ रहा है, जो नंबर बढ़ रहा है उनकी सिग्नेचर लेनी चाहिए, उनका फोटोग्राफ निकालना चाहिए, वो भेजना चाहिए मुंबई में स्पीकर के पास। ये सब ड्यूटी है तो वो हम लोगों को सब वो करना पड़ता है और हम लोग कर रहे हैं। आज भी एक इलेक्टेड मेंबर आया है ना, तो आप लोग कब तक तो गवर्नर को फ्लो टेस्ट के लिए, कब तक गवर्नर को फ्लो टेस्ट के लिए चिट्ठी लिखेंगे सर? पहले तो इनको हमारे बूथ को रिकग्निशन देने के लिए बोलना चाहिए ना, तो हमने बोल दिया है। अगर वो जितने जल्दी वो रिकग्नाइज करेंगे, अब तो उन्होंने एक खत ऐसे भी दिया है कि जिन लोगों के पास 15-16 लोग है उनके गठनेता को उन्होंने मान्यता दी है। ऐसे नहीं होना चाहिए और मैं आज जब मीटिंग होगी तो मैं बोल दूंगा कि इस डिसीजन को चैलेंज करना चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ। पर दीपक जी, रिकग्नाइज करने के लिए कि आप असली शिवसेना है, वो काम तो इलेक्शन कमीशन का है। नहीं नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन की बात नहीं, पहले तो महाराष्ट्र में आज सबका ऐसी थप पड़ी हुई है, एक फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, इसकी प्रगति होनी चाहिए, तो ऐसे नहीं चलता है। जो भी डिसीजन लेना है, फास्ट डिसीजन लेना है, आपको रेजिग्नेशन देना है नहीं देना है, अगर आपको फ्लोर टेस्ट में जाना है तो आप अपने एक कॉन्फिडेंस का मोशन ला सकते हैं, विश्वास जैसे खराब बोलते हैं हम लोग उसको, वो आप ला सकते हैं, लाइए ना, फिर देखेंगे इसकी मेजोरिटी है क्या है सर। लेकिन वो तो कह रहे हैं सरकार अभी हमारी है, अगर आपको सरकार पे भरोसा नहीं है तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आइए महाराष्ट्र की विधानसभा में, हम लोग आएंगे वहाँ, तो वोटिंग इसकी चलती है ना, ऐसी थोड़ी चलती है, पहले हमारे गुट को मान्यता दीजिए। तो क्या नो कॉन्फिडेंस लाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग महाराष्ट्र असेंबली में? नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला है, मैंने बोला है अविश्वास दर्शक ठहराव लाइए आप, इसको कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं। आप बोल रहे हैं ना कि आपकी मेजोरिटी है, आप आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार है, पर क्यों डरते हैं उससे? आपका यही कहना है, हमारा तो नहीं है, हम लोग बोल रहे कि हमारे गुट को मान्यता दीजिए, वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इतना ही हम लोग मांग रहे हैं सर। ठीक है दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना आसान जितना शायद दोनों तरफ से बात कही जा रही है उतनी होगी नहीं। शिवानी के पास चलते हैं, आदित्य ठाकरे जैसे मैंने अभी आपको दिखा रहा था यहीं से निकल के सीधे पहुंचे हैं शिवसेना भवन।